मैं लेकिन वो इस तरह से आपसे भैया आपसे कह रही है सामने इंशाल्लाह राजमा बनाने जा रही हूँ खुबानी। और ये आलू बुखारा है और ये खुबानी है। खुबानी और आलू बुखारे का शरबत जिसमें मैंने ये 10-12 दाने खुबानी के लिए हैं और 10-12 दाने आलू बुखारे के हैं, क्योंकि मैंने 2 गिलास पानी बनाना है और इसमें ये 1 कप मैंने गुड़ वाली शक्कर ली है। इसमें 2 पिंच जो है वो काला नमक है, 1 पिंच सफेद नमक है और ये 1 गिलास पानी का। लेकिन पानी में 2 गिलास डालूंगी, इसमें मैं पानी डालूंगी, इसमें 2 गिलास मैंने पानी डालना है। ये खुबानी है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया। ये आलू बुखारा है, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया। ये इसमें नमक डाल दूंगी मैं और साथ ही इसमें मैं शक्कर डाल दूंगी। 0 फ्लेम पे मैं इसको 10 मिनट के लिए चढ़ा दिया। मैंने इसको ब्राउन कर दिया है, तो अब इसको स्ट्रेन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लिया, बहुत ही अच्छा। तो देखें आप, खुबानी और आलू बुखारे का शरबत रेडी है, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और इफ्तारी में भी खासतौर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।